सो गाइस फाइनली अभी रणकपुर पहुंच चुके हैं। यार यहाँ का जो स्टाफ है ना, मुझे सीरियसली इतना जेन्युइन लगा ना यार। इस राइड पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जंगली जानवर तो है यहाँ पर, मुझे इतना पता है, चीता वगैरह तो आते हैं। अच्छा, मतलब सारे बाहर आएंगे शिकार करने के लिए। भाई साहब नजारा देखो यार, क्या मस्त नजारा आ रहा है। यहाँ आकर तो पूरी थकान ही दूर हो। पासिंग दे रहा हूँ, पागल लेके कहाँ घुसे जा रहे है। तो आपने पिछले बार ब्लॉग में देखा होगा, मां आशापुरा माता जी मंदिर आए थे और वहां से हम निकल चुके थे। आगे का जो सफर था वो था परशुराम महादेव, रणकपुर और कुंभलगढ़, वहां हम जाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में हम वो सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस इस ब्लॉग की मैं यहीं पे शुरुआत करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं माही पाटी आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के वो पिछला ब्लॉग देख लेना, माँ आशापुरा माता जी के मंदिर वाला, जहाँ हम गए थे और बहुत ही मजा आया था। और इतनी अच्छी वाइब आई थी ना भाई साहब। और ये देखो, लग रहा है ना कि गांव में आ गए। यहाँ 100% है ना, मेरे को पक्का शक है कि जंगली जानवर तो है यहाँ पर, मुझे इतना पता है, चीता वगैरह तो आते हैं। और हम जा रहे हैं ना, वो भी है ना पूरा पहाड़ पे ही है, तो है ना काफी मजा आएगा यार। सामने का व्यू देखो, इतना मस्त आ रहा है ना भाई साहब। जो पहाड़ है ना, इतने सारे आपको आई थिंक दिख रहे होगा या नहीं दिख रहे होगा मुझे नहीं पता, पर जो पहाड़ है ना वहां पर, और क्या सही लग रहा है। इस राइड पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। हम अभी देसूरी गांव में एंटर हो चुके हैं। जब हमारा कॉलेज का टूर हुआ था ना, तब मैं आया था, लेकिन उस टाइम मैंने एक्चुअली, मुझे इतना पता नहीं था कि ना मतलब देसूरी कहाँ पड़ता है, सालेड़ी कहाँ पड़ता है, इतना मतलब है ना वो नॉलेज में नहीं था। लेकिन अभी है ना पर्सनली आ रहा हूँ ना व्हीकल पे मैं और रतन, तो अब जाके पता चल रहा है कहाँ पे देसूरी आया है ये वो। क्योंकि ना बाइक पे जब जाते ना तब बहुत कुछ पता चलता है और बहुत कुछ चीजें सामने आती है। अगर कार में जाएंगे या बस में जाएंगे तब इतना वो अंदाजा नहीं रहता यार। अभी कहाँ जाना है भाई साहब, पूछना पड़ेगा। इधर से सादड़ी है और इधर कुंभलगढ़ है। परशुराम महादेव तो सादड़ी के उधर ही है ना। ठीक सर, राम राम सर। एक अंकल जी मिले थे, उनसे ना रास्ता पूछ लिया। और भाई साहब पास में नजारा देखो यार, ये क्यों सही लग रहा है यार। ये देखो पूरा पानी है उधर पूरा पानी है, और क्या मस्त लग रहा है। सो गाइस अभी है ना ये बोर्ड दिखा है, फालना और सादड़ी सब आ गई है। तो हम सोच रहे हैं कि है ना पहले सादड़ी जाएंगे, और सादड़ी के पास में ही है ना परशुराम महादेव और रणकपुर वो दिख जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले एक बार है ना रणकपुर जैन टेम्पल और सादड़ी में जो परशुराम महादेव है वो कवर अप कर देते हैं। फिर आज का दिन है ना यही आस पास में कहीं रुक कर, और अगले दिन है ना कुंभलगढ़ के लिए निकलेंगे। वो भाई साहब पानी देखो वो गिर रहा है, जो यहाँ पे भी बन रहा है ना रोड। अच्छा और ब्रिज बन रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया बनाओ भाई बनाओ। और भाई साहब वो भाई क्या मस्त है यार, क्या मतलब देखने में क्या सही लग रहा है ना यार। और यार वो वहाँ लोग ना भी रहे हैं यार, मेरे को भी चलना है। ये मेरी अपनी बाइक पे पहली लॉन्ग राइड है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। नई नई जगह जाना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना काफ़ी डिफिकल्ट है भाई साहब। अभी हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, क्योंकि यार एक तो बैठ बैठ के हालत भी ख़राब हो गई, और ऊपर से इतना परेशान हो गया ना, मेरे तो कान दुखने लग गए। क्योंकि जब से है ना निकला हूँ ना तब से हेलमेट वगैरह पहना हुआ है, और हेलमेट की वजह से इतने कान दुखने लग गए ना। ओहो ऊंट महाराज, हाँ अभी है ना काफ़ी सही लग रहा है। जैसे ही बाइक रोक रहा हूँ ना तो पसीना पसीना आ रहा है, और जैसे ही गाड़ी चला रहा हूँ ना तो मस्त एकदम ठंड ठंडी हवा आ रही है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रणकपुर और ना परशुराम महादेव और कुंभलगढ़ हम बाद में जाएंगे, पहले है ना यहाँ से सादड़ी हम रुके थे, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लिया, और अब सीधा हम जाएंगे रणकपुर। फिर रणकपुर के बाद कहाँ जाने का विचार है? परशुराम महादेव, और उसके बाद है ना हम सोच रहे हैं सादड़ी है ना आज नाइट स्टे कर लेंगे, और है ना अगले दिन के लिए निकलेंगे कुंभलगढ़। ये क्या रहता है चार्जेस अपने? 4000 रुपए। ये दिखते हैं ये लेपर्ड वगैरह? सर कंफर्म है, काज कंफर्म है। हाँ, सुबह साइडिंग भी अच्छी। अच्छा, रात को 10 काट के थे, साइडिंग भी हुई थी, और अभी सुबह रात को क्या शिकार। अच्छा, तो उसका शाम का लोकेशन फिक्स उधर ही होगा। अच्छा, मतलब सारे बाहर आएंगे शिकार करने के लिए? हाँ, वो कंफर्म ही है। नहीं तो कई बार तो क्या दिक्कत भी नहीं है।
हाँ नहीं नहीं सही है, कई बार नहीं दिखता वो। हाँ बाकी भाई साहब नजारा देखो यार, क्या मस्त नजारा आ रहा है, देखने लायक चीज है यार कसम से। ये जैसे जैसे आगे आ रहा है ना वैसे वैसे और है ना, मतलब क्या सही लग रहा है ना आपको ना, मतलब वीडियो में वो चीज नहीं दिख रही होगी जो हमें ना, मतलब नेचुरली अभी दिख रही है लाइव, पर मतलब देखो आप ऐसे ही आनंद ले लो भाई साहब, क्या सही लग रहा है यार। अरे पासिंग दे रहा हूँ, पागल लेके कहाँ घुसे जा रहे है तो यार, मतलब क्या मस्त हवा आ रही है ठंडी ठंडी सच में, यहाँ आकर तो पूरी थकान ही दूर हो गई भाई साहब, तो दिल खुश हो गया यहाँ आकर। फाइनली गाइस हम रणकपुर पहुंच चुके हैं, माही पाटी। हाँ? माही पाटी कहाँ से? पाली। पैसे नहीं, मेरे को लगा क्या पता पैसे वैसे। सो गाइस फाइनली अभी रणकपुर पहुंच चुके हैं, रणकपुर जैन टेम्पल, और अंदर बहुत ही बढ़िया यार दिखने में, तो फ्रेश हो गए, बढ़िया कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, बाइक अपनी वहां पार कर ली, और अभी चलते हैं अंदर। अंदर है ना वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, तो इसलिए ना वीडियो अंदर का बनाया नहीं। एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा है ना, तो हम और चीजें देख रहे हैं कि और है ना यहाँ पर देखने लायक क्या क्या है। 3 बजने को आ गए हैं, तो यार जितना हो सके ना यहाँ से पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि है ना अगर शाम हो गई ना तो फिर परशुराम महादेव का है ना एक दिन और डिले हो जाएगा, तो डिले है ना मैं नहीं चाहता। एक जगह और जाना आगे वो एक्चुअली मैं कन्फर्म करके बताऊंगा, अगर नहीं होगा ना तो फिर यहाँ से सीधा परशुराम महादेव चलेंगे। एक बात बोलूंगा यार, यहाँ का जो स्टाफ है ना मुझे सीरियसली इतना जेन्युइन लगा ना यार। एक्चुअली मेरे पास है ना खुले नहीं थे पैसे, मतलब 500-500 के थे, तो है ना जहाँ बैग वगैरह रखा ना मैंने, तो उन्होंने पता क्या बोला कि आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन वैसे है ना ये चीज़ है ना आजकल है ना होती नहीं है यार जेन्युइनली, मतलब कहीं पे भी यह हुई ना तो मतलब काफी अच्छा लगा यार। फिलहाल अभी हम रणकपुर से निकल चुके थे और अभी हम जा रहे हैं परशुराम महादेव, तो वो आप आगे वाले व्लॉग में देखना।